सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर जे में। सो गाइस, आज को मैं बात करने वाले हैं कि गाइस, अगर आपने किसी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पास अगर आप कॉल कर रहे हैं, लेकिन गाइस अगर आप उसको कॉल को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन गाइस जब उस कॉल को आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप बताता है कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, आपको भी पता चल जाएगा और जिसके पास कॉल करेंगे उसको भी पता चल जाएगा कि आपका जो कॉल है रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन गाइस अगर आप चाहते हैं कि हम सामने वाला का कॉल रिकॉर्ड भी कर ले और उसको पता भी ना चले तो आप कैसे करेंगे, तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ लाइव करके बताने लाइव करके दिखाने वाले हैं कि गाइस आप कैसे किसी का भी कॉल आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप किसी का भी कॉल आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से अपने मोबाइल फोन को ओपन करना है। तो जैसे आप इस तरीके से अपने मोबाइल फोन को आप ओपन कर लेंगे तो गाइस ये दो फोन के लिए, केवल आईक्यू फोन के लिए और वीवो फोन के लिए है, बाकी फोन के लिए नहीं है, क्योंकि गाइस हम एक कोड बताने वाले हैं। उस कोड की मदद से गाइस आप आईक्यू का फोन है और वीवो का फोन है उसमें आप किसी का भी कॉल आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आपको अपने फोन को ओपन करना, ओपन करने के बाद में अब आपको अपने डायलर पैड को इस तरीके से ओपन कर लेना है। तो गाइस जैसे अपने डायलर पैड को आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे तो अब आपको यहां पे कोड आपको यहां पे डायल करना पड़ेगा *#*#, आपको इतना टाइप करना है *#*#, 55 आपको दो बार 55 डालना है, उसके बाद में आपको दो बार 66 डालना है। तो जैसे आप ऐसे *#*#*#5566888 जैसे डाल देंगे उसके बाद में आपको *#*#*##*##*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 #
यहाँ पे इस तरीके से एक ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा यहाँ पे इनेबल अल्टरनेटिव फोन यहाँ पे कॉन्टेक्ट। और गैस आपको सिंपली यहाँ पे टिक अनटिक का बटन हो रहा, तो जैसे आप यहाँ से टिक वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आया। तो अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। आप जैसे ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आया सेट नाउ का, तो आप जैसे सेट नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपको आपके सामने यहाँ पे डिफॉल्ट फोन ऐप का ऑप्शन आएगा। तो आपको फोन पे क्लिक करना, फोन पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में अब आपको अपने किसी फ्रेंड के पास आपको कॉल करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अपने फ्रेंड के पास हम कॉल करेंगे, यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर देंगे। नंबर पे क्लिक करने के बाद मेरे फ्रेंड के पास कॉल जा रहा है। हम जैसे रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो मेरा जो कॉल है रिकॉर्ड हो रहा है। गाइस यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं कर रहा है, मेरा जो कॉल है यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप अपने किसी भी फ्रेंड का कॉल इजीली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से गाइस आप किसी भी फ्रेंड का आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गाइस अगर आपके पास वीवो का फोन है, आईक्यू का फोन है, तभी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी फोन के लिए नहीं है। हम आपको केवल दो फोन के बारे में बता दिए। जैसे गाइस अगर कोई फोन के बारे में और भी पता चलेगा तो हम आपको प्रॉपर्ली बता देंगे। तो इस तरीके से गाइस आप किसी का भी कॉल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।